हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक और वीज़ा लगा हुआ है डिलीवरी बॉय का। एक मैंने पोस्ट किया था कि टैक्सी ड्राइवर का जो वीज़ा लगा था वो दुबई से लगा था। जो डिलीवरी बॉय का जो वीज़ा लगा है वो इंडिया से लगा है, हरियाणा से। लड़के का नाम है विक्रम सिंह और जो टैक्सी वाला है उसका मैंने हायर किया हुआ था। एक्चुअली उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा नाम डिस्क्लोज मत करना, क्योंकि इनकेस कंपनी को अगर पता लग गया तो जो मेरा सैलरी है वो होल्ड कर लेंगे, और जो मेरी जो ग्रेजुटी है 3-4 साल जो काम किया है वो सारा का सारा वो रोक लेंगे, नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल के पासपोर्ट लेते हैं। क्योंकि पता ही आपको, अगर दुबई में या किसी भी गल्फ कंट्री में है, जो आपका जो पासपोर्ट है वो कंपनी के पास होता है। यूरोप की तरह ऐसा है नहीं कि आपके पास पासपोर्ट आपके पास ही रहेगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। अगर वहाँ से अगर अपने गल्फ से कहीं किसी और कंट्री के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, अनलेस अगर आप किसी बड़ी पोस्ट में हैं, अगर आप बहुत तगड़ी पोस्ट में हैं तो फिर पासपोर्ट आपके पास रहेगा। अगर नॉर्मल पोस्ट में तो फिर कंपनी अपना जो कंपनी आपका जो पासपोर्ट है अपने पास रखती होती है। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली मेरी सारी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम कमल कुंवर 2009। सबसे पहले बात करूँगा कि जो टैक्सी ड्राइवर का जो था उनका उनका एम्बेसी से क्या क्या पूछा, तो वही नॉर्मली उनसे जो माल्टा के बारे में वो पूछा, और आपको माल्टा का जॉब कैसे मिला, आपने कहाँ से अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया, ये सारी चीज़ें पूछी थी। माल्टा का कैपिटल सिटी पूछा, माल्टा कहाँ है ये पूछा, और आपने फाइल प्रिपरेशन कैसे की, ये सारी चीज़ें उनसे पूछी थी। और जब उनका सब कुछ डन हो गया तो फिर इंटरव्यू के ऑलमोस्ट हफ्ते बाद उनका वीज़ा आ गया था। मतलब टोटल 13 डेज में उनका वीज़ा आ गया था दुबई से, जो उन्होंने किया था फाइल सबमिट के बाद। क्योंकि जो जो मैंने उनसे पूछा था, मैंने सारा कुछ उन्होंने जो बताया मेरे को उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दुबई से तो बहुत इजी है, अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, इतना टफ़ नहीं होता। वीज़ा लगता है, रेशो इतना नहीं है कि हाँ भी जितना इंडिया में लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है वैसा दुबई से नहीं होता है। क्योंकि आप ऑलरेडी किसी कंट्री में हो और आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि जब आप इंडिया से अप्लाई कर रहे होते हो तो उनको ऐसा लगता है कि बंदे ने या तो फिर डॉक्यूमेंट वगैरह फेक बना लिए हो, तो ऐसा होता रहता है। तो जो तो डिलीवरी में लड़का है, अब उसके बारे में बात करने वाला हूँ आपसे कि उसको जॉब कैसे मिली। इन्होंने जो अप्लाई किया है वो एक एजेंट से कराया था, हरियाणा का ही एजेंट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल एजेंट है, अगर आपको इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मुझे बता देना, मैं आपको दे दूँगा कि किस एजेंट से कराया। मैं इन एजेंट को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं 17 अप्रैल को फाइल सबमिट हुई थी एंड 9 मई को इंटरव्यू हुआ था। ओके, 9 मई को इंटरव्यू हुआ, आफ्टर दैट 29 को पासपोर्ट कलेक्शन करने का इनको मैसेज आ गया था। सो ऑलमोस्ट 42 डेज लग गए थे वीज़ा आने में। ठीक है जी, अब जो क्वेश्चन है इंटरव्यू क्या हुआ मैं आपको बताने वाला हूँ, आप शॉक हो जाओगे जो इंटरव्यू में पूछा गया था। इंटरव्यू जिसने लिया था उनका फेस तो देख नहीं पाए, क्योंकि वो कैमरा उन्होंने अपना ऑफ किया हुआ था। और जो इंटरव्यू जो ले रहा था उसकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शन थी इंटरव्यूअर के लिए वो ये था कि आपने अपनी आईज़ कैमरे में रखनी है, इधर उधर नहीं देखना है। अगर आपने इधर उधर देखा तो मैं सेम टाइम पे फ़ोन कट कर दूंगा। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि वो बंदा चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ उसकी जो आंखें हैं सिर्फ कैमरे की तरफ हो, इधर उधर ना हो। क्योंकि उनको ऐसा लगा होगा कि अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ शायद कई नोट्स वगैरह होंगे इधर उधर जिस पे वो अटक रहा होगा, इसलिए सीधा बोला गया था कि भाई मेरी तरफ देखना है, जो जो उन्होंने पूछा तो सेम टू सेम मतलब रिप्लाई देना है, मतलब कैमरे की तरफ देखना है, इधर उधर आंखें नहीं घुमानी। कहने का मतलब, सबसे पहले जो पूछा गया था पासपोर्ट नंबर पूछा गया था, अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में बताओ ये पूछा, जॉब एक्सपीरियंस पूछा क्या जॉब एक्सपीरियंस है, हाउ टू अप्लाई आपने कैसे अप्लाई किया, अर्निंग इन इंडिया आप इंडिया में कितना कमा रहे हो ये पूछा, एड्रेस पूछा जहाँ पर रह रहे हो, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब आपकी जो जॉब है वो क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, डिलीवरी बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बात यह है कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं ना दोस्त, जेन्यून अगर काम कर रहे होते हो आपको पता होता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है जॉब की, तो आपने उसको कैसे काम करना होता है, बहुत ईजी होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। करंट जॉब क्या है आपकी इंडिया में, अभी क्या काम कर रहे हो ये पूछा गया था, और वाई डू यू क्विट करंट जॉब, आपने जो करंट जॉब है आपने क्यों क्विट किया माल्टा के लिए, ये सारा पूछा। वेयर इज़ माल्टा लोकेटेड,
हाउ टू फाइंड, ठीक है, हाउ वेयर इज माल्टा लोकेटेड, माल्टा कहाँ है ये पूछा, हाउ टू फाइंड जॉब डिलीवरी ड्राइवर कोरियर डिटेल्स, मतलब आपने जॉब आपने कैसे ढूंढी है ना, कोरियर की डिलीवरी बॉय की जॉब आपने कैसे ढूंढी आपने, इसके बारे में डिटेल बताएं। और माल्टा के बारे में बहुत दूसरा पूछा, माल्टा की कैपिटल क्या है, माल्टा की करेंसी क्या है, सभी को पता है माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है और जो करेंसी है वो यूरो है, ये पूछा। हाउ मच कंट्रीज इन माल्टा, ये भी पूछा उससे। अब ये जो कंट्रीज़ हैं, कितनी कंट्रीज़ होंगी यार यूरोप में, ये तो हर बंदे को तो पता नहीं होगा दोस्तों, मुझे लगता नहीं कि हर बंदे को पता है। कि इवन अगर आप जैसे आप इंडिया में, आप एशियन कंट्री में रह रहे हो, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि एशिया में कितनी कंट्रीज़ हैं, और क्या कहते हैं ये शार्क कंट्रीज़ कौन सी हैं, हम कौन से पार्ट में रहते हैं एशिया में, और साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज़ हैं, ये तो यार मुझे लगता नहीं ये चीज़ पूछने वाली थी। हाउ मच कंट्रीज इन यूरोपियन कंट्री, हाउ मच कंट्रीज इन यूरोप, कितनी कंट्रीज़ हैं यूरोप में, हर बंदे को पता नहीं होती है। और वीडियो कॉल हुआ था उसका, ठीक है जी, जो जो वीडियो कॉल हुआ था वही उसने बोला था कि मुझे कि जो आंखें हैं आपकी, जो आई हैं वो कैमरे में होनी चाहिए, इधर उधर आपने नहीं देखना है। तो सैलरी पूछा कि आपकी सैलरी कितनी होगी, ड्यूटी आवर्स पूछा कि कितने घंटे ड्यूटी होगी आपकी, जो भी काम के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, तो जो जॉब होती है दोस्तों 40 आवर पर वीक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है जो लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अगर इसके ऊपर से आपको ओटी देते हैं तो वो बात की बात है, लेकिन आपको 40 घंटा आपको काम करना मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा हो सकता है, अगर डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब मैं सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि बंदे ने कब अप्लाई किया था, कैसे क्या हुआ था, क्योंकि सारा कुछ हुआ था मेरा, इससे बात हुई थी मेरी, कब अप्लाई किया था, एक मिनट, दिसंबर में अप्लाई किया था दोस्तों, 2022 दिसंबर में अप्लाई किया था, और कर करा के 29 अप्रैल को, 29 मई को इनको पासपोर्ट कलेक्शन का मैसेज आ गया था, मतलब 1 तारीख को या 30 तारीख को पासपोर्ट मिल गया था, ठीक है। ये वीडियो मैं बहुत लेट बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था मेरे को। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर कर देना एंड लाइक कर देना, थैंक यू।